चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के बस्सी से मिल रही है, किरोड़ी लाल मीणा के काफिले को बस्सी में रोका गया है। किरोड़ी लाल मीणा के साथ बड़ी तादाद में समर्थक हाथ में तिरंगा थामे ईआरसीपी के जरिए पानी की मांग यहां पर कर रहे थे। हाईवे पर पुलिस और किरोड़ी समर्थक आमने सामने हो गए। जटवाड़ा स्थित लक्ष्मी विलास होटल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से वार्ता चल रही है, वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ बातचीत हो रही है। राजेंद्र राठौर और अरुण चतुर्वेदी भी उनके साथ हैं। एडिशनल डीजीपी जंगा श्रीनिवास, जयपुर संभागीय आयुक्त भी मौजूद हैं। किरोड़ी लाल मीणा सरकार की वार्ता समाप्त, मांगों को लेकर बनी सहमति कुछ ही देर में होगी आधिकारिक घोषणा। तो ये राहत देने वाली खबर, किरोड़ी लाल मीणा और सरकार की वार्ता जो है समाप्त हो गई है, मांगों को लेकर सहमति बन गई है, कुछ ही देर में आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। उस वक्त की तस्वीरें जरा देखिए, जब आमने सामने हो गए थे पुलिस हो गए थे और किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक आमने सामने हो गए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर की बस्सी से, आंदोलन समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। तो किरोड़ी लाल मीणा को आप देख सकते हैं, राज्यसभा सांसद, तो क्या कुछ कहना है इस सहमति के बाद, किन किन मांगों पर सहमति बनी है, आधिकारिक घोषणा जो की जाएगी, किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, यह आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि पूरे तरीके से छावनी में तब्दील कर दी गई थी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी इस दौरान यहां पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत की गई थी, वार्ता का दौर चला था। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ बातचीत हुई, राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी भी इस दौरान उनके साथ यहां मौजूद है। किरोड़ी लाल मीणा और सरकार की वार्ता आखिरकार समाप्त हो गई है, मांगों को लेकर सहमति बन गई है। तो ये दो तस्वीरें जरा देखिएगा, राजेंद्र राठौर आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर में अरुण चतुर्वेदी भी हैं, और किरोड़ी लाल मीणा तो खैर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। सामने सरकार के नुमाइंदे मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आमने सामने बातचीत, और आखिरकार सहमति बन गई जो मांगे यहां पर की जा रही थी। क्योंकि पूरे तरीके से बस्सी में छावनी में तब्दील कर दिया गया था ये पूरा इलाका, और अपनी मांगों पर डट गए थे तमाम समर्थक किरोड़ी लाल मीणा के, और बड़ी तादाद में अभी भी समर्थक पहुंचे हुए हैं। तो बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा यहां पर कर दी जाएगी, वो आप तक पहुंचाएंगे कि किरोड़ी लाल मीणा पहली तस्वीर में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जटवाड़ा स्थित लक्ष्मी विलास होटल छावनी में तब्दील हो चुका है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से वार्ता चल रही है, दूसरी तस्वीर में जरा देखिए। लेकिन फिलहाल ये फर्स्ट इंडिया आप तक अपडेट पहुंचा रहा है कि जो वार्ता चल रही थी, जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, मंत्री विश्वेंद्र सिंह सामने, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा उनके बैठे हुए हैं, और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर हैं, अरुण चतुर्वेदी हैं, और ये तमाम सरकार के नुमाइंदे विश्वेंद्र सिंह से बातचीत कर रहे थे, और खुद मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सहमति के लिए बातचीत की, उनकी मांगों पर सहमति जताई है, और आखिरकार वार्ता सफल रही ये जानकारी मिल रही है। और आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द, क्या कुछ कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त इस वार्ता के बाद, ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं और सुनाएंगे भी बहुत जल्द। तो फिर क्या कुछ कहना है किरोड़ी लाल मीणा का, जरा सुनिए। 48 घंटे में राजस्थान सरकार कर दे, और अगर 48 घंटे में राजस्थान सरकार ने घोषणा नहीं की तो मैं यहीं दौसा मुख्यालय पे अकेला धरना दूंगा। और अगर मान गए और मानने के बाद जो केंद्र चाहता है 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी और मध्य प्रदेश की सहमति, ये अगर नहीं दी तो नवंबर के लास्ट सप्ताह में पूरे 13 जिलों का बड़ा अनिश्चितकालीन धरना श्री महावीर जी में किया जाएगा। का वक्त यहां पर दिया गया है, किरोड़ी लाल मीणा ने आधिकारिक घोषणा के दौरान यह बात कही है कि हां अभी फिलहाल वार्ता हुई है, वार्ता सफल हुई है, मेरी मांगे चाहे वो ईआरसीपी का मुद्दा हो, अन्य मुद्दा हो, उन बातों को सुना गया है,
अब मंत्री विश्वेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो अभी किरोड़ी लाल मीणा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैंने सरकार को 48 घंटे का वक्त दिया है, मेरी बातों को अगर नहीं सुना गया, नहीं माना गया, तो मैं खुद, चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं अकेला यहां पर धरने पर बैठूंगा। और मंत्री विश्वेंद्र सिंह खुद यहां पर पहुंचे थे उनसे बातचीत करने के लिए। पहले किरोड़ी लाल मीणा ने आधिकारिक पुष्टि की इस बात की, 48 घंटे का वक्त दिया। अब सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन है, ये मंत्री विश्वेंद्र सिंह बता रहे हैं। पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, तो तस्वीरें जरा देखिएगा, सुनाएंगे भी कि आखिर क्या कुछ कहना था मंत्री विश्वेंद्र सिंह का। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ बातचीत हुई है, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहा है मंत्री विश्वेंद्र सिंह का। और सभी यहाँ उपस्थित परिजनों और युवा साथी, अभी डॉक्टर साहब ने जो डिमांड रखी है अक्षर से उसकी पालना होगी। और मैं लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज तक विश्वेंद्र सिंह ने जो बात कही है उससे अडिग रहा हूँ और वो करके दिखाया। ये विश्वास डॉक्टर साहब आपको है या नहीं मुझे ये बताओ। पूरा 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 बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगली बार भैया जब आप अपन तो बैठना नहीं पड़ेगा, बैठे तो मेरा कुछ भी वक्त आदमी है, जमीन बैठे रहे हमारे मीडिया वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो फिर कौन जुड़ जाएंगे। कि बहुत आत्मीयता से मेरी बातचीत हुई है किरोड़ी लाल मीणा से, जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिस पर सहमति की बात की जा रही थी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने वो भी बात कही है कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी कि वापस धरना देने की जरूरत किरोड़ी लाल मीणा को ना पड़े। लेकिन कैसे काफिले को रोका गया था, हाथों में तिरंगा लिए तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद थे। राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी भी यहाँ पर पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक में, क्योंकि उनके काफिले को यहां पर रोक दिया गया था, आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। बस्सी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो झंडा लहराते हुए तमाम समर्थक किरोड़ी लाल मीणा के, और पूरे तरीके से छावनी में तब्दील इस इलाके को कर दिया गया था, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, काफिले को रोक दिया गया था। लेकिन वहीं पर पड़ाव डाल के बैठ गए किरोड़ी लाल मीणा की, उनकी बातों को जब तक नहीं सुना जाएगा वो नहीं यहां से उठेंगे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे, सरकार के नुमाइंदे उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे, और उसके बाद ये दूसरी तस्वीरें, जब बातचीत का दौर चला, किरोड़ी लाल मीणा और सरकार की वार्ता समाप्त हो गई, उसके बाद आधिकारिक पुष्टि अब कर दी गई है। सामने आए किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने ये बात रखी कि मैंने सरकार को 48 घंटे का वक्त दिया है। हालांकि आश्वासन दे दिया गया है, सहमति तो बन गई है, लेकिन काम कैसे होगा, इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी कहा कि पूरी कोशिश सरकार की तरफ से कि जो मांगों पर सहमति जताई है उस पर आगे भी काम हो।